तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने प्रोसेसर का ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर और कौन सा मॉडल नंबर है, तो आसानी से आप देख सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो आपको देखने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर प्रेस करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको ये टाइप करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे अलग इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अलग विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको शो करेगा प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेल का है, मेरा कोर i5 यहाँ पे 10th जनरेशन का है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ब्राउजर ओपन कर लेना है, जोन से भी आपको ब्राउजर में डाउनलोड करना है अपना प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर ओपन कर लिया है। तो आप चाहें गूगल क्रोम में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्च बार पे आपको लिख देना है इंटेल डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आपको इतनी सारी वेबसाइट दिखेगी, तो यहाँ पे मैं याली वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। ये ऑफिशियली वेबसाइट है। अगर आपको ये वेबसाइट का लिंक नहीं मिला है, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, अगर आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा है प्रोसेसर के हिसाब से, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक पे अपडेट्स एंड ड्राइवर पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप इंस्टॉलिंग करेंगे तो आपका जो सा भी ड्राइवर मिस है, तो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा। और बाद में आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को कहेगा। जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे, तो आपका जितने भी ड्राइवर मिसिंग है सब आपका इंस्टॉलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा ड्राइवर है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग करना पड़ेगा पेज। यहाँ पर देख सकते हैं पेज लोड हो गया। अब आपको यहाँ पे दिखेगा विच टाइप, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर चॉइस करना है। तो यहाँ पर आपको फिर से वो पॉपअप ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कोर TM का है प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना, वही मैंने फिर से इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर TM प्रोसेसर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फिर से आपसे पूछेगा विच टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेशन पूछ रहा है और i3 i5 पे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से आ जाना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली ये बात है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं i5 लिखा और यहाँ पर 10 3 5 G1 लिखा है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं i5 के बाद यहाँ पर जो सा भी नंबर लिखा है, तो आपको वो जनरेशन है। तो यहाँ पर मेरा 10 लिखा है, तो ये 10th जनरेशन का। अगर आई पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर आपका 5th जनरेशन का है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा i5 10th जनरेशन का है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा 10th जनरेशन का और i5। तो आपको इसमें मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर पूछा डाउनलोड टाइप, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर है डाउनलोड और यहाँ पर ड्राइवर। तो यहाँ पर ड्राइव पर क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा विंडो 10 है और 64 बिट का है। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लेटेस्ट ड्राइवर है, यहाँ पे 7/14/2021 का है। तो यहाँ पर आपको व्यू मोड पे डिटेल पे आप देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ सिंपली अगर आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा सर्चिंग कर रहा है, तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड के दो ऑप्शन आए। तो यहाँ पर जिप फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे जिप फाइल में डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर एक्सेप्ट हेयर करके आप यहाँ पे इंस्टॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं EXPE पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ उसे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइज दिखा रखा है, ये दिखा रखा। तो यहाँ पर मैं सेव एज कर लेता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे 6 मिनट या 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने तो फ्रेंड्स, जैसे आपका ये डाउनलोड हो जाए, तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैंने इस पर पहली वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई सा भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमें पर्सनल इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।